नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 422 करोड़ की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1546 करोड़ की लागत से 461 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम गोला तहसील के भरौली में डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें, सीएम योगी आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बता दें, 422 करोड़ की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1546 करोड़ की लागत से 461 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कुशीनगर की जनता को सीएम योगी आज सौगात देंगे। सीएम योगी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनता को बड़ी सौगात देंगे। बता दें कि 422 करोड़ की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1546 करोड़ की लागत से 461 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम गोला तहसील के भरौली में डायलिसिस सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? जी, मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जनपद की खट्टा विधानसभा में आज इसी क्षण में आगमन होगा। वहां पहुंच के हेलीपैड पे वहां पहुंचेंगे सीधे हेलीकॉप्टर से अपने, वहां से सीधे वहां से 300 मीटर की दूरी पर नव निर्मित तहसील का लोकार्पण करेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि 451 करोड़ की लगभग 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी, कुशीनगर को क्या कुछ सौगात मिल सकती है ज्ञानेश्वर? जी, जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि कृषि विश्वविद्यालय सहित जिले की विकास को गति देने वाले कुछ नई परियोजनाओं को सीएम रख सकते हैं आधारशिला। सीएम योगी पहुंच रहे हैं कुशीनगर, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और सीएम योगी के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी, आपको बता दें, कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देवरिया और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर की फोर्स कार्यक्रम स्थल पर बुला ली गई है कि जहाँ सीएम के कार्यक्रम में कहीं भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। ज्ञानेश्वर, उनके साथ सीधे सीधे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं विजय लक्ष्मी गौतम के साथ साथ जनपद के तमाम बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहेंगे। ज्ञानेश्वर, सीएम योगी कब तक रुकेंगे कुशीनगर में? जी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम की जो जनसभाएं होंगी, जो उनका पूरा कार्यकाल होगा, लगभग 1.5 घंटे तक कुशीनगर जनपद में उनका रहना होगा। जी, धन्यवाद ज्ञानेश्वर तमाम जानकारियों के लिए। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश के साथ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटने और उसकी खरीद प्रक्रिया का फैसलों पर मुहर लग सकती है। साथ ही औद्योगिक विकास के कई प्रस्तावों के साथ गेहूं खरीद नीति के तहत 1 अप्रैल से गेहूं खरीद को भी मंजूरी दी जाएगी। बता दें, ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी, आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश के साथ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटने और उसकी खरीद प्रक्रिया के फैसलों पर मुहर लग सकती है। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के कई प्रस्तावों के साथ गेहूं खरीद नीति के तहत 1 अप्रैल से गेहूं खरीद को भी मंजूरी दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें, यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी,
क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? विवेक, आपको आवाज आ रही हमारी? जी नंदनी, सवाल रिपीट करें। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की भारी झंडी मिल गई है और लोक भवन में आज शाम 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। देखा जा सकता है कि इसके बाद जल्द ही नगर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है और जो तमाम आरक्षण का पेच फंसा था उसके बाद आयोग ने, जो OBC आयोग बना था, उसने 3 महीने के अंदर ही सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। और इसके बाद AK शर्मा का भी बयान आया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो निर्देश है, उसका पालन करते हैं, फैसले का पालन करते हैं और बेहद जल्द 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि आरक्षण के मामले में काफ़ी पेच फंसा था, उसके बाद आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो कई जगहों पे जो आरक्षण की स्थिति बदली दिख सकती है, जहाँ पे सालों साल एक जैसी स्थिति होगी वहाँ पे इस बार कुछ स्थिति आरक्षण की बदली हो सकती है। क्या OBC सीट अगर कई सालों की होगी तो वहाँ हो सकता है कि सामान्य सीट हो जाए, सामान्य सीट होगी तो हो सकता है OBC सीट हो जाए, इस प्रकार के फेरबदल भी दिखाई दे सकते हैं। और आज लोक भवन में 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकते हैं। इसके अलावा और कई अन्य मुद्दे शिक्षा से भी जुड़े होंगे, जिसपे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कृषि से भी जुड़े मुद्दों पे बातचीत होगी, तमाम तरह की जो प्रस्ताव है उस पर बातचीत होगी कैबिनेट की। इस मीटिंग में तमाम बड़े पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विवेक, OBC आरक्षण के लिए अध्यादेश के साथ साथ और किन प्रस्तावों पर अहम मुहर लग सकती है? विवेक, से देखा जा सकता है कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा नगर निगम चुनाव का था, OBC आरक्षण का था, इसके बाद बात की जाए तो चाहे किसी का मामला, किसी क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार लगातार विचार कर रही है, लगातार इस पे अच्छे योजनाओं की बात कर रही है, इस पे बातचीत हो सकती है। कैबिनेट की इस मीटिंग में कई अहम जो है फैसले भी लिए जा सकते हैं और आगामी नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो इस पे भी चर्चा हो सकती है। 11 महीने के अंदर लोकसभा का भी चुनाव है, इस पे भी चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा नगर निकाय चुनाव और आम चुनाव का है, क्योंकि ये तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में होंगे। 2 बार से वो लगातार चुनाव जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर बैक टू बैक जीत हासिल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार लगातार बने, तो 11 महीने का समय अभी आम चुनाव में है और देखना होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति जो है वो डिसाइड करती है, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक नई टीम मिली है, कई लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो है जिम्मेदार नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते ही उनको जता दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री भी तैयार है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चौबीस आम चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पहले से रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा संगठन में कई बदलाव किया गया था। इसमें टॉप से लेकर जिला और ब्लॉक केवल तक फेरबदल किए गए थे। वहीं यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के हरी झंडे मिलने के बाद भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान BJP कार्यालय पर बड़ी बैठक होगी, बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक में जिला महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है, आज एक बड़ी बैठक होगी, क्या कुछ रणनीति बन सकती है?
देखिए बीजेपी कार्यालय में अधिकारी चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक है, उस भूपेंद्र सिंह चौधरी एक बैठक करेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। ये निकाय चुनाव जो है इसके 3 महीने पहले जो है वो किसी कारणवश टाल दिया गया था। अब सारी स्थिति निकाय चुनाव को लेकर साफ हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपना फैसला दे दिया है और निकाय चुनाव को हरी झंडी भी दे दी है। जिस प्रकार से सरकार सभी की बातों को सुनते हुए, विपक्षियों की बातों को सुनते हुए जो ओबीसी आरक्षण घोटाले की बात कही जा रही थी उसको पैरवी करने के लिए सरकार कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो मंत्री हैं के शर्मा उन्होंने ये भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आभार भी जताया था। और जिस तरीके देखा जा सकता है कि संभावना ऐसी जताई जा रही है कि मई माह में जो है निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे और बेहद जल्द 1 हफ्ते के अंदर ही जो है अधिसूचना जारी करके नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी इस पर चर्चा होनी है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो बैठक है, जो भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश स्तर की बैठक करेंगे उसमें जो है अलग अलग जगहों पे क्या किसकी जिम्मेदारी रहेगी इस पर चर्चा हो सकती है। और जिन बूथों पर जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिख रही है, इसके पहले कमजोर रही है या उन सीटों को हारी है, उस पर बेहतर रणनीति के साथ उतरने की बात कही जा रही है। क्योंकि निकाय चुनाव का जो मुद्दा है, स्पेशली जो मेयर की सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी करती जा रही है। अगर बात की जाए तो जो मेयर की सीटें हैं उस पर आरक्षण का जो पेज पड़ता है, उसके बाद आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद जो सभी पद है जो मेयर के, तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा निकाय चुनाव में सीटें हासिल कर सके मेयर के पदों पे, चेयरमैन के पदों पे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 हमेशा चुनावी रणनीति में ही रहती है। संगठन इतना मजबूत है, उसके कार्यकर्ता इतना काबिल है कि वो 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन जो है वो संगठन की बात मानते हुए फील्ड पर रहते हैं और अपनी रणनीति को तैयार करते रहते हैं। तो आज इस बैठक में कई बड़े जो है रणनीति बन सकती है, निकाय चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां मिल सकती है संगठन के लोगों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाना जाता है कि चुनावी तैयारियां करने के लिए, उस हिसाब से लगता है कि जो आज बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। विवेक, इस बैठक में कौन कौन बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे? देखिए इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे, जो संगठन महामंत्री है वो मौजूद रहेंगे और कई बड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मीटिंग होगी और भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन के महामंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे, रणनीति बनाएंगे निकाय चुनाव के लिए। विवेक, इस बैठक में जिला महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया, प्रभारी नियुक्त किए गए, प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए, तो अब बात आती है जिला लेवल पे। अगर जिला लेवल की बात की जाए तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करना और महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया कदम हो सकता है। इससे पहले भी अगर जिला अध्यक्ष की बात की जाए तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि अपने पूरे जिले में जो संगठन के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको लाइनअप करके रह सके, उनको साथ लेकर रह सके और कोई भी अगर दौरा होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है उस जिला में, तो उस पूरे जिले की जिम्मेदारी उस जिलाध्यक्ष की होती है। तब जिलाध्यक्ष की बात की जाएगी और उसके चुनाव की बात की जाएगी और सबको जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। क्योंकि इस जिला अध्यक्ष की अगर चुनाव की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव 11 महीने का समय शेष है और जिला अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी बता दी जाएगी कि इस अवधि तक आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि 11 महीने का ही कम समय जो शेष है लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी का एक ही मोटिव है 272+ का, तो सभी को अपनी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। सभी जिला अध्यक्षों को चुनाव के बाद उनको रणनीति बना के योजनाओं को समझाया जाएगा और किस तरीके से वो जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, अपने काम पे फोकस करेंगे, किस प्रकार से अपनी रणनीति पर रहेंगे। और जो टीम बीजेपी ने रणनीति तैयार की है, जो भूपेंद्र चौधरी ने रणनीति तैयार की है, उस पर बातचीत करेंगे ग्राउंड लेवल पर, उस पर चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपते रहेंगे। जी विवेक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को 11 महीने ही बचे हैं, तो क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा?
देखिए फायदा या नुकसान तो चुनाव के समय आएगा, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पे जो है वो लीड करने की चाह रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो अतीक अहमद का मुद्दा है, जो माफिया मुक्त की बात ये सरकार करती थी। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम उनकी सरकार करेगी। अतीक अहमद को इतिहास में पहली बार किसी मुद्दे पे सजा हुई है, कार्रवाई हुई है, तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहेगी, उसे भुनाना भी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी का मुद्दा जोरों शोरों पर है। कांग्रेस की पार्टी जो है वो हर प्रदेश में, हर जिले में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल ही भूपेश सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, लखनऊ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहाँ बिना किसी परवाह के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, रणनीति बना रही है, अपने फायदे और नुकसान देख रही है, तो वही जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो अपने नेता के लिए सड़क से लेकर संसद तक समर्थन कर रही है। हमने देखा किस प्रकार से स्पीकर के पास कागज फेंके गए, काले कागज फेंके गए, विरोध किया गया इस चीज का। जिस प्रकार की कार्रवाई संसद की तरफ से हुई, सदस्यता खत्म हुई, जिस प्रकार की कार्रवाई राहुल गांधी पे हो रही है लगातार, और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर प्रियंका गांधी मीडिया से मुखाबित होके इस सरकार का विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी एक कांग्रेस नेता जो बड़ा लीडर है कांग्रेस का, उसकी सदस्यता चली गई है। मामला हाईकोर्ट में जाना है, देखते हैं वहां से क्या निर्णय आता है, हाईकोर्ट अपना रुख क्या रखता है इस मामले पे। लेकिन कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है और प्रधानमंत्री पर लगातार आक्रामक हो रहे थे। एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव की खींचतान जो है, दो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, उसमें देखी जा सकती है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें बीजेपी कार्यालय में आज बैठक होगी, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक में जिला महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी चर्चा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।